hello student, this is Vinita singh from st. school nalya and today we will discuss class 7th poem dad and the cat and the tree written by kit wright. okay? so this is very funny uh, poem. so let's start reading with me. this morning a cat got stuck in our tree. dad said, right, just leave it to me. so the father in this uh, story, a dad and a cat was introducing first time in this poem. एंड दैट मीन्स वॉट कैट वॉज गॉट स्टक इन द ट्री ओके एक पेड़ पे स्ट्रक हो जाती है फंस जाती है वो अर्ली मॉर्निंग में गार्डन में जो ट्री है उनके तो वो बोलती है लड़की कि डैट सेट राइट जस्ट लिव इट टू मी ठीक है ठीक है ये सब मुझ पर छोड़ दो मैं उसको बचा लूंगा ओके द ट्री वॉज वी द ट्री वॉज स्टॉल मम सेट फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल ट्री सेट वॉज वुबली वुबली मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत ज़्यादा मतलब जो हिलता ढुलता रहता है ठीक है बहुत ज़्यादा वीक है टूट सकता है तो ट्री बहुत उबली है ट्री बहुत टॉल है एंड मम सेट मम ने बोला फॉर गुडनेस सेक डोंट फोल डोंट फॉल ओके भगवान के लिए तुम गिर मत जाना क्योंकि ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा उबली है हिल रहा है ढुल रहा है बहुत ज़्यादा फॉल स्कॉफ्ट डैड अ क्लाइम्बर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वॉन्ट एंड सी ओके स्कॉफ्ट डैड डैड जो है वो बहुत ज़्यादा चौक के बोलते हैं फॉल क्या गिरना मैं आई क्लाइंबर लाइक मी एक मेरा जैसा क्लाइंबर जो पेड़ों पर आराम से चढ़ जाता है उससे तुम कह रही हो कि वो गिर जाएगा चाइल्ड प्ले दिस इज़ यू वेट एंड सी तुम सिर्फ देखो इंतज़ार करो और मुझे सिर्फ देखो ये बच्चों का खेल है मेरे लिए ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड इट्स स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड उन्होंने एक गार्डन की जो शेड शेड मतलब होता है गार्डन के अंदर एक जो स्टोर रूम टाइप होता है ठीक है वहाँ से वो लेडर ले के आए सीढ़ी लेके आए उन्होंने ट्री के ऊपर रखा जैसे ही वो उस पर चढ़ने लगे वो स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं फ्लावर बेड जो फूलों फूल जो हैं एक लाइन से फूल हैं वहाँ पर उसके फूलों के ऊपर वो गिर जाते हैं never mind said that brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt never mind koi baat nahi dad bolte koi baat nahi apne jo baalon se apne face se apne ट्राउजर से अपनी शर्ट से डस्ट को झाड़ते हुए बोलते हैं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं वी विल ट्राई अगैन वी हैव a plan B and C. we will try plan B stand out of the way mom said don't fall again okay then mom जो है वो उसको mom जो है उस बच्चे की वो बार 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 dad को क्या कर रही है मतलब warn कर रही है कि तुम दोबारा गिर मत जाना लेकिन dad बोलते हैं I have एन plan B we will stand out of this way we हम लोग इसी वे से इसी रास्ते से क्या कर सकते हैं उस बिल्ली को stuck जो हो चुकी है बिल्ली tree पे उससे हम उसको बचा सकते हैं

नीचे गिर जाते हैं और जैसे गिरते हैं तो उस टाइम पे मम उनको अगेन वॉर्न करके बोलती है मत करो ऐसा बंद करो ये सब तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे ओके रबिश सेट डेड नाव वी विल ट्राई प्लान सी ईजी एज वग टू अ क्लाइंबर लाइक मी रबिश बकवास बंद करो तुम ये सब बकवास बातें हैं नाव वी विल ट्राई प्लान सी हम प्लान सी को ट्राई करते हैं ईजी एज वग विंकिंग मीन्स होता है पलक झिपकाना मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए इट्स वेरी ईजी कि मैं अपने जैसे आइज को ब्लिंक कर रहा हूँ या विंकिंग कर रहा हूँ उस तरीके से तुम अपनी पलक झिपकाओगी इतनी देर में देखना मेरे जैसे क्लाइंबर क्या करेंगे इसको कैट को पेड़ में से बचा लेंगे देन ही क्लाइंबड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल गैस वॉट ही डेड इन फॉल इस टाइम पर क्या हुआ वो अपनी गार्डन की जो वॉल है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और गैस वॉट और तुम ए, क्या गैस करोगे तुम कि वो इस बार क्या होते हैं गिरते नहीं हैं ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट उन्होंने वहाँ से एक ग्रेट लीप लीप मतलब होते हैं छलांग मारना बहुत लंबी छलांग मारी और उसी टाइम पे क्या होते हैं कि वो कहाँ पे लैंड करते हैं एक क्रूक पे क्रूक जो होता है क्रूक मीन्स होता है जहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं सॉलिड जगह जो होती है मतलब जहाँ से एक मेन ट्रंक से बाहर की जो सीढ़ी मतलब ब्रांचेज निकलती है उसको बोलते हैं क्रूक तो वो ट्री ट्रंक के क्रूक पर जाके वहाँ पर लैंड करते हैं और राइट ऑन द कैट और कैट के बिल्कुल पास में The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as much to be safe and sound. Cat जो है वो वहाँ से yell yell मतलब होता है चिल्लाना अपनी आवाज़ में ठीक है cat जो है वहाँ से वो चीखी and sprang on the ground और ground के ऊपर वो छलांग मारती है pleased as punch to be safe and sound और बहुत ज़्यादा pleased मतलब बहुत ज़्यादा खुश है वो ये सोच के कि वो safe है और वो sound कर रही है ठीक है वो उसके sound से काफ़ी ऐसा लग रहा था कि वो बच गई वो खुश है कि वो सेफली ग्राउंड पहुँच गई है सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टग अप ऑन द ट्री अब वो जो कैट है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है वो खिलखिला रही है स्मर्किंग मीन्स खिलखिला रही है स्मग मीन्स होता है संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है जैसी वो है अभी कि उसने ग्राउंड पे लैंड कर लिया है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है बट पुअर ओल्ड डैड जो हमारे बेचारे डैड हैं वो अभी भी कहाँ हैं ट्री के ऊपर फंसे हुए हैं ठीक है थीके? I hope you understand each and every word. I'll try my level best to explain all the words. If you have any doubt, then ask me in my comment box. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekha. Thank you so much.